हरी ओम, मैं चित्रावीरा राजे मुलुंड उपासना सेंटर से आई हूँ और घाटकोपर के मराठी विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ। बापू का अनुभव बताने के लिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू चिदानंदा नंदा माता शेष स्वरूप श्री सुचित दादा, इन सब को वंदन करके आज मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। सन 2001 में मैं बापू के यहाँ आना शुरू किया। उसके पहले सन 1999 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी। ऑस्ट्रेलिया में मेरे हस्बैंड, मेरे पति कंप्यूटर के इंजीनियर होने के नाते Y2K के प्रोजेक्ट पे काम करने गए थे। वहाँ हवाई जहाज़ की दुर्घटना में उनका देहांत हो चुका था। सन 2001 में जब ही मैं बापू के पास आई, तभी मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे जीवन में बहुत सारा शांत समय आएगा, सब संकटों से मैं मुक्त रहूंगी। बापू के पास मेरा डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी, जो भी ऑस्ट्रेलिया का पति का देहांत के बाद मिला था, वो कॉपी मैंने उनके हस्तस्पर्श के लिए भेजी थी। और जब ही बापू ने गुरुवार को जब ही उनको वो दिया, तभी बापू ने उसको हस्तस्पर्श करके सामने देखा और इतनी बड़ी भीड़ में बापू मेरे यहाँ पे देख रहे थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और तब से मेरी सब चिंता दूर हो गई। विमान अपघात के निधि में तब तक 99 से 2001 तक मुझे दुर्घटना का जो भी पैसा मिलता है वो नहीं मिला था, क्योंकि वो विमान का जो हादसा हो गया, हवाई जहाज का जो हादसा हो गया, वो कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो गई थी। इसलिए उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो सौंपी थी जवाबदारी सब देने का, पैसा देने का। और जिनके पास, जिस वकील के पास मैं मेरा सब केस दे के आई थी, उन्होंने उनका फर्म दूसरे वकील, दूसरे लोगों को सेल करके वो ऑस्ट्रेलिया से कनाडा में शिफ्ट हुए थे। इसकी वजह से मुझे मेरा विमान दुर्घटना का निधि भी नहीं मिल रहा था। जब ही मैंने बापू को डेथ सर्टिफिकेट के कॉपी हस्तस्पर्श के लिए भेजी, तभी जो घटना डेढ़ साल में नहीं हुई थी, वो डेढ़ महीने में क्या चक्र बापू ने चलाया मालूम नहीं, लेकिन मेरे विमान दुर्घटना के निधि के पैसे 2001 में मुझे वापस मिले। ये सब जब ही हुआ, तभी पैसों का ज़रूरत तो था, क्योंकि पैसे मजा करने के लिए नहीं, फिर भी दो लड़कियां थी, उनके शादी, उनके एजुकेशन के लिए, और एक जीवित का हानि हुआ था, उसकी वजह से वो पैसे मिलने वाले थे। इसलिए वो जब भी मिले, तभी मुझे एक एहसास हुआ कि अभी ज़िंदगी में मैं कुछ मेरी लड़कियों के लिए कर सकूंगी। मुझे मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। इसके बाद 2005 में जब भी बड़ी लड़की, उसकी शादी हो गई, उसका नाम मुग्धा, तभी फिर से एक बार बापू, नंदाई और सुचित दादा को मेरे लिए फिर से दौड़ना पड़ा। बात ऐसे हुई कि मुग्धा, जो मेरी बड़ी लड़की, उसकी शादी अमेरिका के लड़के के साथ हुई। दोनों भी अमेरिका में नौकरी की वजह से और उनका आगे का फैमिली लाइफ उधर बिताने के लिए अमेरिका गए। और उसके एक 6-7 महीने बाद, 2005 में उनका विवाह होने के 6-7 महीने बाद, मेरे जमाई, जिनका नाम राहुल है, उसको छाती में दर्द होने लगा। कभी कभी
स्टेप के स्टेयरकेस चढ़ते हुए उतरते हुए उसको धांपने लगा वो, और इसकी वजह से उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ऐसा वो दोनों अपॉइंटमेंट फिक्स करने ही वाले थे। पर एक दिन अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास जाने से पहले उन वो दोनों जब भी खाना खा रहे थे रात के समय, तभी वो एकदम से बेहोश गिर गया, बेहोश हो गया। मेरी लड़की को कुछ समझ में नहीं आया खाना खाते समय एकदम बेहोशी का कारण क्या है। वो बाहर आके पूरे गली में प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई मदद करो, मदद करो, ऐसे चिल्लाते हुए पूरे गली में उसने आवाज़ दी। पर कोई भी अमेरिका के न्यूजर्सी सिटी में ऐसा कोई भी आया नहीं बाहर। वो अंदर आ गई और उसने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसको मदद की ज़रूरत है। वहाँ पे ऐसा है कि पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस और पुलिस, ये तीनों गाड़ियाँ एक साथ आती है। वैसे झटके में कुछ ही मिनटों में वो तीनों गाड़ियाँ आ गई। उन्होंने देखा कि बेहोश हुआ है राहुल, तो एम्बुलेंस में जो डॉक्टर थे उन्होंने उसके ऊपर उपचार करना चालू किया। किधर भी आग नहीं थी इसलिए फायर ब्रिगेड वापस निकल गई। जब भी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस निकलना चालू किया, तभी मेरी लड़की मुग्धा भी उनके साथ जाने के लिए पैर में चप्पल डाल के पर्स लेके निकली। पुलिस ने बोला, आप किधर जा रही हो, हमें देखना है, जांचना है कि आपने कुछ अपने पति को खिलाया पिलाया, गलती से कुछ दिया, आप नहीं जा सकती। एम्बुलेंस राहुल को लेके निकल पड़ी, पर मेरी लड़की घर में बैठे हुए पुलिस सब घर में छान मार रहे थे, क्या मिलता है उनको, एविडेंस कुछ मिलता है क्या, देख रहे थे। बहुत देर के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी कुछ हाथ नहीं आया हमारे, आप जा सकती हो। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी अकेली गाड़ी निकाल के बापू का नाम लेते हुए मुग्धा हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जांच की, तभी डॉक्टर बोले कि लंग्स में यानी कि फेफड़ों में कुछ ब्लड के क्लॉट्स हुए थे, वो क्लॉट्स ऑपरेशन करके निकालने थे, और उसके ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सैनडिएगो में, डॉक्टर जेमिसन करके हैं, उनके यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ऐसे डॉक्टर ने बताया। न्यूजर्सी से सैनडिएगो बहुत दूर है अमेरिका में, पर फिर भी वो डॉक्टर ने राहुल के ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी विमान के टिकट की वगैरह ये करवाई, और मुग्धा और राहुल सैनडिएगो में डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने फिर से जांच की और बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, इसमें 10% डेथ चांसेस है, 20% मेमोरी लॉस हो सकती है यानी कि स्मरण शक्ति पे आघात हो सकता है, और नहीं तो 20% पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्लड बंद करके, ब्लड सर्कुलेशन बंद करके हमें गांठ निकालनी पड़ेगी। ये सब सुन के दोनों के पैर तले जमीन खिसक गई। मुग्धा ने फ़ोन लगाया, बहुत रोते रोते मुग्धा मेरे से बात कर रही थी, मैं क्या करूं, कैसे ऑपरेशन को हाँ कहूं, ये सब 50% चांसेस है। वो दिन था गुरुवार, मैं बापू के सामने मैदान में खड़ी थी, बापू का प्रवचन हो चुका था, मैं इतने दूर से उसको क्या कह सकती थी। मैंने बोला, बेटा तू धीर रख, मैं बापू के यहाँ हूँ, तेरा रोना बापू सुन रहे हैं, बेटा तू रोना नहीं, हमारे लिए बापू बहुत कुछ करेंगे, मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मदद मिलती है, तू अभी फ़ोन रख दे करके मैंने उसको फ़ोन पे चुप बिठाया। उसके बाद मैं लीनमवीरा पडेलकर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे वैभव सिंह कर्णिक अपने यहाँ जो है
बापू के यहाँ, उनके उनको मिलवाया। वो बोले आंटी आप घर जाइए, सिर्फ आपके लड़की का नंबर और नाम मुझे बताइए, मैं देखता हूँ वहाँ पे अमेरिका में उसको कैसे मदद मिलेगी। आप घर पहुँच सकोगी ना ठीक तरह से, ये भी उन्होंने पूछा। तो मेरा बहुत दुख हल्का हुआ, मेरे मुझे बहुत आत्मविश्वास हुआ। मैं घर लौट आई, मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, मुग्धा को फ़ोन किया होगा कि नहीं, वो मिली होगी कि नहीं, वो किस बात से उसका डर निकल जाएगा, वैभव सिंह क्या करेंगे, सब मेरे मन में आ रहा था। मैं घर में पहुंची, थोड़ी देर बाद मुग्धा का फ़ोन आया, मैंने झटके से फ़ोन उठाया। अभी उसका आवाज़ बहुत निराला था, आवाज़ उसकी बहुत अलग आ रही थी, जो कि पहले टाइम वो रो रही थी, अभी वो बहुत शांत थी, क्योंकि वैभव सिंह ने उधर कांटेक्ट करके अमेरिका में गणपति नाम के अपने बापू भक्त को ये सब समझाया था, और वो गणपति ने मुग्धा को फ़ोन करके उसको सैन डिएगो में रहने की सब सुविधाएं उपलब्ध करके दे दी थी। और डॉक्टर भी मिले थे तब तक, डॉक्टर ने ऑपरेशन तय किया था। मैं मुग्धा को बोली तू सिर्फ सब उसके रिपोर्ट्स जो भी डॉक्टर ने बोले हैं वो मुझे मेल से भेज दे। मैं वो रिपोर्ट्स मेल से उसने भेजने के बाद उसके कॉपीज लेके दूसरे दिन मैं सुचित दादा के पास पहुंची। सुचित दादा के यहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि अभी दादा क्या बताएंगे, बहुत डर था। दादा ने मुझे अंदर बुलाया, क्लिनिक में अंदर बुलाया, और दादा की हंसती हुई छवि देख के मुझे बहुत आत्मविश्वास पैदा हुआ। दादा बोले ऑपरेशन करना है। डर तो लगा क्योंकि चांसेस कैसे कैसे थे, 10% डेथ चांसेस, 20% मेमोरी लॉस, सब मैंने बताया। वो होने के बावजूद भी दादा बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना, इसका मतलब ये ऑपरेशन बाकी के 50% में सक्सेसफुल होने वाला है, ये मुझे लगा। दादा को सब रिपोर्ट्स की कॉपी मैंने दे दी थी, दादा वो पढ़ रहे थे, और दादा एक ब्लैक पेन के साथ कुछ सेंटेंसेस के नीचे अंडरलाइन कर रहे थे। मैं जब भी वो सब पेपर्स लेके घर पे आ गई, उसके पहले निकलते समय मैं दादा को एक ही सेंटेंस बता सकी, दादा कैसे भी करो लेकिन आप और बापू वहाँ जाके ऑपरेशन करना है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है। दादा हंसे और मुझे उन्होंने ऐसा सर हिला के एक आत्मविश्वास दिया, कुछ चिंता की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी दादा ने बताया। मैं घर आके दादा ने किन सेंटेंसेस के नीचे अंडरलाइन किया है वो पढ़ा, तो वो सब जिससे राहुल की लाइफ बच सकती थी ऐसे सेंटेंसेस पे उन्होंने अंडरलाइन किया था, जिसका मतलब उसके भविष्य पे उन्होंने रेख खींची थी, और कैसे भी करके वो कैसे बच सकता है वही उन्होंने अधोरेखित किया था। जब ये ऑपरेशन का समय आया, उसके पहले बापू भक्त लॉस एंजलिस में रहने वाले उनके पत्नी के साथ मेरे लड़की के यहाँ पहुँचे, और उन्होंने बापू की उदी फोटो और राम नाम की बुक मेरे लड़की को दे दी। मुग्धा ने मुझे फ़ोन करके बताया आई मैं क्या करूं, उदी तो मिली है लेकिन यहाँ पे अंदर ऑपरेशन थिएटर में वो उदी लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे हम उदी नहीं रख सकते हैं, तो अभी उदी का मैं कैसे उपयोग करूं, मुझे कैसे सूझा मालूम नहीं। लेकिन मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ उसके सर को और छाती को सब उदी उसके यहाँ लगा दे, डॉक्टर साफ करेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन वो उदी का एक संरक्षक आवरण उसके कवर उसके बॉडी पे तैयार हो जाएगा, और फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज देना। बस मैंने बताया वैसे उसने किया, अंदर ऑपरेशन चालू हो गया।
वहाँ पे जब भी सुबह 10 बजे ऑपरेशन चालू हुआ तभी अपने यहाँ पे रात हो गई थी। मैं साई चरित्र पढ़ रही थी, बापू नंदाई सुचित दादा के फोटो के सामने पूरी रात मैं बैठी थी। घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र, राम रक्षा, हनुमान चालीसा, नामस्मरण सब कर रही थी। बापू को और सुचित दादा नंदाई को बार बार बोल रही थी कि बापू कैसे भी करके आप उधर जाके ऑपरेशन करना है। जब भी ऑपरेशन 10 घंटों के बाद ख़त्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए तभी अमेरिका में रात हो चुकी थी और अपने यहाँ प्रभात। मुझे मालूम नहीं था कि अभी ये सुबह मुझे क्या सुनना पड़ेगा, बहुत टेंशन में थी। जब भी डॉक्टर बाहर निकले ऑपरेशन करके, वो डॉक्टर जेमीसन नाम के डॉक्टर थे, क्रिश्चियन थे, और वो डॉक्टर जो ऑपरेशन जो दिन उन्होंने किया वो था गुड फ्राइडे। तो क्रिश्चियन डॉक्टर होके भी गुड फ्राइडे के दिन वो काम नहीं करते हैं क्रिश्चियन लोग, फिर भी उन्होंने गुड फ्राइडे के दिन ऑपरेशन रखा, ये बहुत आश्चर्य की बात थी। वो जो भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तभी मेरे लड़की के पास आके उठ के उसके पीठ पे थपथपाते हुए बोले, बेटा आई कांट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे फिंगर्स ने ये ऑपरेशन किया है, यीशु मस्ट हैव डन दिस। वो डॉक्टर क्रिश्चियन थे, उन्होंने सब श्रेय यीशु को दिया था, लेकिन मुझे मालूम है ये यीशु, ये राम, ये कृष्ण, ये साई, ये बापू सब एक ही तो है। यीशु ने ऑपरेशन किया मतलब बापू ने ही उधर जाके ऑपरेशन किया, ये मेरा पूरा विश्वास था। डॉक्टर उसको बोले कि अभी आप घर पे जाइए, डॉर्मेटरी रूम मिली थी उसको गणपति की वजह से, वो डॉर्मेटरी रूम में जाओ, वो अभी इतने में बेहोश जो है वो इतने में नहीं जग जाएगा, सुबह आप आएंगे तभी देखेंगे। अभी ऑपरेशन तो मैं बता सकता हूँ कि ठीक तरह से हुआ है, सब क्लॉट्स निकल गए हैं, लेकिन अभी कल सुबह पता चलेगा कि उसको पैरालिसिस है उसकी पैर या नहीं है, या उसकी स्मरण शक्ति है वो पहचान सकता है या नहीं, यह सब वो जाग जाने पर ही पता चलेगा। उसी टेंशन में मेरी लड़की रूम पे आ गई, डॉर्मेटरी रूम में। तब तक उसके ससुर जी भी वहाँ पे पहुँचे थे, उसको कोई ना कोई साथ था, लेकिन एक दूसरे के साथ वो दोनों बात भी नहीं कर सकते थे, इतना टेंशन दोनों में था। सुबह 7 बजे ही राहुल को होश आ गया, डॉक्टर ने बताया कि फ़ोन पे मुग्धा को कि तुम जल्दी आ जाओ। मुग्धा और उसके पिताजी, उसके ससुर जी वहाँ पे गए, उनको लगा अभी कैसे मैं देखूंगी आईसीयू में उसको, वो मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, जीवित तो है लेकिन अगर उसकी स्मरण शक्ति गई है तो मेरे लाइफ में क्या बचेगा, अगर वो पैरालिटिक हो गया है तो मेरे लाइफ में क्या बचेगा, कैसे उसको मैं संभाल पाऊंगी। सब टेंशन में वो गई, सामने उसने राहुल की आँखों में आँखें डाल के देखा और राहुल ने हल्के से हाथ हिलाया और बोला, हाय मुग्धा। बस मुग्धा ने वो शब्द सुने, राहुल ने उसको पहचाना, उसके लिए बहुत एहसास उसके मन में ऐसा लगा कि बापू बस मैंने जीत लिया, और वो राहुल के कंधे पे गिर गई। ये सब ऑपरेशन जो हुआ उसको बोलते हैं, डॉक्टर के टर्म में मैं बताऊंगी, उसको बोलते हैं PTE, पल्मो थ्रोम्बो एंडार्टे रेक्टोमी, ऐसे उसको बोलते हैं। और अगर गूगल सर्च किया तो अभी तक बहुत कम शस्त्रक्रिया ऐसी यशस्वी हो गई है, भारत में तो एक भी यशस्वी शस्त्रक्रिया नहीं हुई है, वो अमेरिका में थे इसलिए बच सके, ऐसे अभी बताना पड़ेगा। पर उससे भी ज़्यादा मुझे मालूम है कि बापू ने ही वहाँ जाके ऑपरेशन किया होगा, इसीलिए वो बच गया होगा, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है।
9 गांठें ऐसी ब्लड की निकाली। ये क्यों हुआ इसका डॉक्टर ने एक्सप्लेनेशन दिया, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी हवाई जहाज़ से प्रवास करते हैं तभी बहुत समय तक एक जगह पे बैठने के बाद जिनका ब्लड ज़्यादा थिक होता है वो ब्लड में बहुत गांठें हो सकती है। इसलिए प्रवास के टाइम में हवाई जहाज़ में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सीट से उठ के थोड़ा सा चलना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि उसने उसके पहले जब भी उसने हवाई जहाज़ से बहुत बार प्रवास किया था तभी नहीं किया होगा। और उसका ब्लड, राहुल का ब्लड भी बाकी लोगों से भी ज़्यादा ठीक है ऐसा डॉक्टर ने बताया, इसलिए वो चांसेस ज़्यादा हुए। और गांठें जो कि एक गांठ पैर में तैयार हुई थी वो ब्लड के फ्लो में ऊपर आके फेफड़ों में यानी कि लंग्स में अटक के उसके टुकड़े टुकड़े हुए थे, वो सब ब्लड फ्लो बंद करके ओपन हार्ट और ओपन लंग्स की सर्जरी करके डॉक्टर ने पूरे सब गांठें निकाली। और अभी वो दोनों बहुत अच्छी तरह से उनका लाइफ अमेरिका में बिता रहे हैं। राहुल तो बहुत अच्छी तरह से बाहर निकला, पर इस सब टेंशन का मुग्धा पे ऐसा असर हुआ कि उसको बाद में रात रात नींद नहीं आती थी। फिर से मैं सुचित दादा के पास पहुंची, दादा अब क्या करूं, उसको बिल्कुल सोने को नहीं होता है, अभी उसको निद्रा नाश हो गया है। फिर से उसी टाइम पे अपना महापूजन निकला और वो महापूजन उसने करने को मुझे बोला। महापूजन अपने आदि माता का महापूजन करने के बाद ऐसा हुआ, फिर से अनुभव उसको मिला और उसकी सब जो कि नींद की गोलियां वगैरह चालू थी वो सब बंद हो गई। तब तक के लिए डॉक्टर ने उसको लड़का लड़की कुछ होने के लिए इश्यू होने के लिए बंद किया था, लेकिन अभी वो मेडिसिन भी सोने का बंद नींद का बंद हो गया और मुग्धा राहुल को अभी एक लड़की, इसी साल में एक लड़की हुई है और वो एक अच्छा आशीर्वाद, वो एक अच्छा फल को नंदाई बापू ने दिया है। बस ऐसी ही उनकी कृपा वो छोटे बेबी पे रहे, मुग्धा राहुल पे, हम सब पे ऐसी ही कृपा बापू दादा आई की रहे, यही प्रार्थना। हरिओम।